Assalamu alaikum students, hope you are enjoying and learning from these videos as well. These videos are specially designed for DPS Kusur class 6, and our today's topic is write the advantages of USB flash memory. तो हमने देखना है कि USB flash memory के फायदे क्या हैं. As usual, the first page is from taken from the school notes DPS Kusur, and we will read and understand what is written on the page. Okay, USB flash memory is a storage device. ये storage device है, data को store करने के लिए इस्तेमाल होती है. Picture यहाँ पे दिखाई गई है. It is plugged into the USB port of the computer. Computer में एक USB port होती है, उसमें ये लगाई जाती है. इसमें डाटा रीड, राइट और रिमूव करने के लिए. इसके फायदे क्या हैं? इट्स फ्लेक्सिबल, इन एक्सपेंसिव इट्स पोर्टेबल, इन एक्सपेंसिव, रिलायबल एंड ड्यूरेबल स्टोरेज डिवाइस. ये पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा सकते हैं. आप इसे अपने पॉकेट में, पर्स में और हाथ में ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे. रिलायबल है, इन एक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगी नहीं है और ड्यूरेबल है. आप इसे लॉन्ग टर्म में भी डाटा स्टोर कर सकते हैं. एक साल, दो साल, पाँच साल के लिए भी इसमें डाटा स्टोर किया जा सकता है. फ्लैश मेमोरी स्मॉल एंड लाइट वेट. ये छोटी और लाइट वेट है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ. इट कंसिस्ट ऑफ मेमोरी चिप. इसके अंदर एक मेमोरी चिप लगी होती है जो कि USB ड्राइव के साथ कनेक्ट होती है. वी कैन रीड फ्रॉम रीड एंड राइट डाटा ऑन द फ्लैश मेमोरी एज आई मैंशन. इसमें रीड, राइट, रिमूव सब कुछ किया जा सकते हैं आसानी से. कोई हमें स्पेशल सॉफ्टवेयर रिक्वायर नहीं होता. जैसे कि CD को राइट करने के लिए हमें CD ड्राइव की ज़रूरत होती है, CD राइटर की ज़रूरत होती है. DVD पे राइट करने के लिए DVD राइटर की ज़रूरत होती है. और इसी तरीके से जो हार्ड डिस्क, उसके अंदर ही एक ड्राइव जो होती है वो फिक्स होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव जो हम पहले पढ़ चुके हैं. तो इसी तरह इसके लिए हमें स्पेशल कोई भी डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती जो इसके ऊपर राइट करे या डाटा को रीड करे. जो भी है इसके अंदर ही फिक्स है. तो ये USB के थ्रू कम्युनिकेट करती है कंप्यूटर से. इट इज़ वाइडली यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है आज की दुनिया में डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए. Okay, so this is additional information. Let us see what is this USB memory. The first question is why USB memory was required to develop. ये बहुत important question है. इससे पहले कि हम इसके फायदे देखें, हमें ये पता होना चाहिए कि ये develop क्यों की गई थी. हमारे पास उस वक्त USB से पहले जो data को transfer करने के लिए दो major जो devices थी, storage devices use होती थी, CD discs और DVD discs. इससे पहले एक और थी जिसे फ्लॉपी डिस्क कहा जाता था, लेकिन वो ना तो रिलायबल थी और ना ही उसमें जो डाटा स्टोर होता था वो ह्यूज अमाउंट था, 1.4 MB. आज का जो डिजिटल कैमरा है, जब वो एक तस्वीर उतारता है तो वो 5 MB, 6 MB, 8 MB, 3 MB की एक पिक्चर उतरती है. और आज का जो डिजिटल कैमरा है, इसमें मोबाइल में अवेलेबल है, वो 5 MB, 3 MB की एक तस्वीर उतारता है. तो वन पिक्चर कैन नॉट बी स्टोर ऑन द फ्लॉपी डिस्क. तो इतनी थोड़ी उसकी कैपेसिटी थी कि उस पर कुछ भी सेव नहीं किया जा सकता. तो उसको तो मैंने इस डिस्कशन में लिया ही नहीं. तो बाकी हमारे पास जो पोर्टेबल बचती हैं वो CD डिस्क थी और DVD थी. CD को राइट करने के लिए और DVD राइट करने के लिए स्पेशल एक डिवाइस यूज होती थी जिसे CD और DVD राइटर कहा जाता है, जो आम हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल होती है. CD डिस्क ड्राइव या DVD डिस्क ड्राइव, इट कैन नॉट राइट डाटा ऑन द CD और DVD. इट इज़ यूज टू रीड डाटा, ओनली रीड डाटा. तो ना तो हम उसमें से रिमूव कर सकते हैं, ना उसमें से हम उस पर हम डाटा राइट कर सकते हैं. ये था फर्स्ट चैलेंज, हमें CD राइटर की ज़रूरत थी. सेकेंड चैलेंज ये था कि अगर हमारे पास CD राइटर है तो उसके लिए भी, या DVD राइटर है तो उसके लिए भी हमें स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए था जो CD के ऊपर डाटा को राइट कर सकता था. इसमें नैरो बर्निंग है,
और भी इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो इस्तेमाल होते थे सीडी के ऊपर डाटे को राइट करने के लिए। तीसरा चैलेंज था रिमूव करना, डाटे को रिमूव करने के लिए भी हमें सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड था, उसको फॉर्मेट करने के लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड था। तो हर एक चीज़ के लिए हमें अलग से स्पेशल प्रोग्राम की जरूरत पड़ती थी, जो कि बहुत ही पेनफुल था, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था। और एक और चैलेंज था जो कि डिस्क के साथ जुड़ा हुआ है, वो ये था कि जब हम एक दफ़ा डिस्क के ऊपर राइट कर लेते थे तो डिस्क रीड ओनली बन जाती थी, यानी कि उसके बाद हम डिस्क के ऊपर दोबारा डाटा राइट ही नहीं कर सकते थे, वो सिर्फ एक दफ़ा राइट करने के लिए होती थी। लेकिन मार्केट में ऐसी डिस्क भी अवेलेबल थी जिसे री राइटेबल डिस्क थी, तो उन डिस्क से डिस्क के ऊपर डाटा स्टोर करने के लिए, बार बार स्टोर करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता था। उसको पहले तो उसको फॉर्मेट किया जाता था, उसके बाद दोबारा नया डाटा लिखा जाता था, जो कि ऑल्सो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था और बहुत ही ये रिलायबल नहीं था। ये 5-7 मरतबा एक ही सीडी को रीराइट करने से उसके बाद वो डाटा राइट नहीं करती थी। तो इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए जो साइंसदान थे, उन्होंने एक नई ड्राइव बनाई जिसे यूएसबी फ्लैश मेमोरी का नाम दिया गया। और ये बहुत ही इजी टू यूज़ है, कोई स्पेशल ड्राइव की ज़रूरत नहीं है जैसे कि सीडी और डीवीडी में ज़रूरत थी, ना कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है इस पे डाटा को रीड करने के लिए, राइट करने के लिए या रिमूव करने के लिए। जस्ट लाइक यूएस जो हार्ड डिस्क है ये बिहेव करती थी, अगर हमने कोई भी डाटा रीड करना है, राइट करना है या रिमूव करना है, डिस्क को लें, उसको यूएसबी में प्लग इन करें और आप जैसे हार्ड डिस्क पे डाटे को कट पेस्ट कॉपी पेस्ट डिलीट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी किया जा सकता था। और जो इसकी कैपेसिटी है आजकल जो लेटेस्ट मार्केट में अवेलेबल है वो टेराबाइट में है, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 3 टेराबाइट, 5 टेराबाइट, विच इज़ ए ह्यूज कैपेसिटी। तो ये एक बहुत ही इजी सोर्स ऑफ डेटा ट्रांसफर है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। ओके, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके क्या क्या इसके हैं फायदे, ये हम देखते हैं। यूएसबी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, ये इसका मतलब है, इसका फायदा नहीं है। तो फायदे में क्या है, देर आर मेनी टाइप ऑफ फ्लैश मेमोरी बट फ्लैश मेमोरी विद एन इंटीग्रेटेड यूएसबी इंटरफेस इज नोन एज अ यूएसबी फ्लैश मेमोरी। तो वैसे तो फ्लैश मेमोरी कई हैं, जैसे कि हमारे पास मेमोरी कार्ड्स हैं, ठीक है, और ये यूएसबी बजाते खुद भी, लेकिन जो फ्लैश मेमोरी है वो है हमारी यूएसबी मेमोरी जो यूएसबी के साथ आती है, जिसमें यूएसबी के साथ जो कनेक्ट होती है। इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी है, जिस तरह हार्ड डिस्क परमानेंट है इसी तरह ये परमानेंट मेमोरी है। ये इसका एडवांटेज है, अगर कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है तो इसमें डाटा इंस्ट्रक्शन जो पड़ी हुई है वो ज़ाया नहीं होगी। ये एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, तो अगर फ्यूचर में इसमें से डाटा हमें रिक्वायर्ड है तो हम इसे आसानी से इसमें से डाटा हासिल कर सकते हैं। मेन जो इसका इस्तेमाल है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में या एक डिजिटल डिवाइस से दूसरी डिजिटल डिवाइस में डाटा को ट्रांसफ़र करना है, जैसा कि हमारा डिजिटल कैमरा है, डिजिटल वीडियो है, तो वो जो वीडियोज़ होती हैं वो हम यूएसबी के जरिए से उसे कॉपी करके कंप्यूटर में या कंप्यूटर से उस डिवाइस में हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और इसका ये भी फायदा है, वी कैन रीड, वी कैन राइट, वी कैन रिमूव इजीली डाटा फ्रॉम दिस स्टोरेज डिवाइस। थैंक यू वेरी मच एंड होप यू एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो। Share it with your friends and family members. If you learn something from this video, send me your feedback in the comments. Inshallah, I will review and I will give you my feedback as well, inshallah. And if you need any special topic to be recorded, please send me the topic through the email.
And finally, please don't forget to subscribe my blog computerforlearners.blogspot.com. Thank you very much.